हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैक्स स्मूथ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप इनकम टैक्स वेबसाइट पे ग्रीवियांस किस तरीके से फाइल कर सकते हैं फॉर अर्ली प्रोसेसिंग ऑफ योर रिटर्न। अगर आप अपने इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर चुके हैं, आपका रिफंड बनता था और अभी तक भी आपकी रिटर्न प्रोसेस नहीं हुई है, तो बट ऑब्वियस सी बात है आपका रिफंड भी आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ होगा। तो उसके लिए आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, रिटर्न प्रोसेसिंग का अपना एक टाइम है। लास्ट डेट जो रिटर्न प्रोसेसिंग है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 वो है 31 दिसंबर 2025 तक आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न्स प्रोसेस हो सकती हैं। बट अगर आपके रिटर्न को फाइल करे हुए 30 डेज से ऊपर हो गया है, तो आप एक ग्रीवियांस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डाल सकते हैं कि आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न को अभी तक प्रोसेस नहीं किया गया है, जल्द से जल्द रिटर्न को प्रोसेस किया जाए। मे भी हो सकता है आपके ग्रीवियांस पे एक्शन हो जाए और आपकी रिटर्न प्रोसेस हो जाए और आपका इनकम टैक्स का रिटर्न जो रिफंड है वो भी आपके अकाउंट में जल्द से जल्द क्रेडिट हो जाए। ग्रीवियांस आप कैसे डालेंगे? ग्रीवियांस डालने के दो जगह से ऑप्शन होते हैं। एक तो जब आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाएंगे, होम पेज पर ही नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको कॉन्टैक्ट अस में ग्रीवियांस का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ से भी ग्रीवियांस अपना डाल सकते हैं, बट आप अगर यहां से भी डालेंगे तो भी आपको वो अल्टीमेटली लॉगिन करने के लिए ही बोलता है, तो हम डायरेक्ट लॉगिन में ही देख लेते हैं कि आपको ग्रीवियांस कैसे डालना है। यहां पर भी आपसे पूछ रहा है कि आपके पास पैन नंबर है, आप जैसे ही यहां पे पैन नंबर डालेंगे ये आपको बोलेगा आप अपना इनकम टैक्स का लॉगिन करो। तो इसीलिए इनकम टैक्स का लॉगिन करने के बाद कैसे ग्रीवियांस डालना है आपको वहीं पर ही देख लेते हैं। ये हमारा एक इनकम टैक्स का लॉगिन है। लॉगिन में देखिए ग्रीवियांस का ऑप्शन है, सेकंड लास्ट ऑप्शन। आपको यहां पे जाना है, सबमिट ग्रीवियांस में जाना है। जब आप सबमिट ग्रीवियांस में जाएंगे तो यहां पे आपसे जो है इशू पूछ रहा है कि आपका किस तरीके का इशू है। तो आप अगर यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला, तो आपको जस्ट यहाँ पर जाना है। नीचे बहुत सारे ऑप्शन है कि आप ग्रीवियांस किसके पास डालना चाहते हैं, ई फाइलिंग में, एओ के पास, सीपीसी टीडीएस के पास, सीपीसी आईटीआर के पास या डीआईटी के पास। तो इनके बारे में अगर आपको नहीं पता कि कौन सा सिस्टम क्या काम करता है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट का क्या वर्क है। तो अगर हम सीपीसी आईटीआर पे क्लिक करें तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, दिस डिपार्टमेंट हैंडल इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेसिंग ऑल ग्रीवियंसिस रिलेटेड टू आईटीआर वी स्टेटस इंटीमेशन नोटिस 143(1) रिफंड नोट रिसीव्ड इनकम टैक्स प्रोसेसिंग रिलेटेड प्रोसेस सोशल मीडिया ग्रीवियंस फीडबैक शैल बी लॉग्ड अंडर दिस डिपार्टमेंट। तो इसका मतलब अगर आपके रिफंड से रिलेटेड ग्रीवियंस हैं, प्रोसेसिंग से रिलेटेड ग्रीवियंस हैं, आपको 143(1) इशू हुआ है उससे रिलेटेड अगर आपको भी क्वेरी है, तो वो सब आपको जो क्वेश्चन है वो सीपीसी आईटीआर से पूछने हैं। तो यहाँ पर अब हम सीपीसी आईटीआर क्लिक करेंगे। सीपीसी आईटीआर पे जब आप क्लिक करते हैं तो अब आपको सब कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट कैटेगरी में कम्युनिकेशन, डिमांड, फीडबैक, आईटीआरवी प्रोसेसिंग, रेक्टिफिकेशन, सोशल मीडिया, टैक्स रिलेटेड क्वेरी एंड अदर। अब यहाँ पे आपको अपनी प्रॉब्लम सेलेक्ट करनी है कि आपको किस चीज के रिगार्डिंग जो है ग्रीवियांस डालना है। तो हमारा जो ग्रीवियांस है वो प्रोसेसिंग से रिलेटेड है। अगर आपका जो रिटर्न है वो प्रोसेस हो चुकी है लेकिन रिफंड अभी तक नहीं आया है, 15 से 20 दिन हो गए हैं और रिटर्न में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, 143(1) आपका बिल्कुल क्लियर आया है, तो उस केस में आप यहाँ पे रिफंड क्लिक करके रिफंड के लिए भी ग्रीवियांस डाल सकते हैं। तो अभी हम प्रोसेसिंग का डाल रहे हैं। प्रोसेसिंग पे जब आप क्लिक करेंगे, सब हेड्स आपको सिलेक्ट करने हैं। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सब हेड्स हैं जो आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो आपको सिलेक्ट करना है। नॉर्मल की सिचुएशन में प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न के लिए आपको अदर प्रोसेसिंग पे जाना है, देन कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद आपको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है, असेसमेंट ईयर 2024-25। आपको सिर्फ असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है, ये ईयर्स आपके ऑटो सिलेक्टेड आ जाएंगे। फिर यहां पर आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देना है कि आपको जो है क्या किस चीज के लिए आप ग्रीवियांस डाल रहे हैं। सो आप यहां पे डाल सकते हैं दैट आई हैड ऑलरेडी फाइल्ड द रिटर्न। आप डेट डाल दीजिए कि किस डेट में आपकी रिटर्न फाइल हुई है, आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या है, और यहाँ पे मेंशन कर दीजिए बट माय रिटर्न इज नॉट येट प्रोसेस्ड, बट रिटर्न नॉट येट प्रोसेस्ड। ठीक है, आप इस तरीके से, मैंने तो एक ही लाइन डाली है बट आपको यहाँ पे डिटेल में डालना है। अगर आप अपने इशू को अच्छे से डिस्क्राइब करना चाहते हैं कि आपने किस डेट पे रिटर्न को फाइल किया था और क्या आपका एक्नॉलेजमेंट है, एक्नॉलेजमेंट नंबर है रिटर्न का और कौन से असेसमेंट ईयर की है, वो हमारा यहाँ पे ऑलरेडी आ गया है, तो आपको दो लाइनों में ही मैंशन कर देना है। फिर नीचे अटैचमेंट्स के इन्होंने ऑप्शन दिए हैं। रिटर्न प्रोसेसिंग से रिलेटेड आपको अटैचमेंट करने की वैसे कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी जो रिटर्न आपने अपलोड करी है वो डिपार्टमेंट के पास ऑलरेडी अवेलेबल है, उसके ऊपर एक्शन हो जाएगा।
बट अगर कोई और इश्यू होता है, किसी और चीज के लिए आप ग्रीवियांस रेज कर रहे हैं, तो जो करने का तरीका है वो सेम ही रहता है, बट उस केस में आप जो नीचे ऑप्शंस हैं वो उनको सिलेक्ट करके अपने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हैं। तो प्रोसेसिंग से रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो अपनी एक्नॉलेजमेंट की कॉपी अदर डॉक्यूमेंट्स में जाके अपलोड कर सकते हैं। कोई भी जो अटैचमेंट है वो मैंडेटरी अटैचमेंट नहीं है, किसी के ऊपर भी रेड मार्क नहीं लगा हुआ। और कितने फाइल की, कितने साइज की जो फाइल है वो अपलोड हो सकती है, वो नीचे दी हुई है कि 10 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये सब करने के बाद आपको जो है यहाँ पे सबमिट ग्रीवियांस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, देखिए करेक्टर लिमिट भी जब आप इसमें लिखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है मिनिमम 100 करेक्टर्स तो आपके होने ही चाहिए। अगर आपने जो करेक्टर लिमिट है उसको जस्टिफाई नहीं किया तो आपको यहाँ पे सबमिट ग्रीवियांस का ऑप्शन जो है ऑटो पॉपुलेटेड नहीं होगा। जैसे हमारे केस में अभी करेक्टर नंबर ऑफ करेक्टर्स कम है, तो मेरा भी ये ऑप्शन जो है अभी ऑटो पॉपुलेट क्लिकेबल ऑप्शन मेरा भी यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो आपको यहाँ पे प्रॉपर जो है वर्ड्स डालने हैं, फिर क्लिकेबल ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जब हमारे ये नंबर ऑफ वर्ड्स कंप्लीट हो गए हैं तो हमें क्लिक करने का ऑप्शन मिल गया है, तो यहाँ से हम कर देंगे सबमिट ग्रीवियांस। यहाँ पे आ गया ग्रीवियांस सबमिटेड सक्सेसफुली, जो हमारा एक्नॉलेजमेंट नंबर है ग्रीवियांस का वो भी रेज हो गया है। और आप जो है ग्रीवियांस का स्टेटस कहाँ से चेक कर सकते हैं वो भी इन्होंने मेंशन कर दिया कि ग्रीवियांस में व्यू ग्रीवियांस है, वहां से आप अपना स्टेटस जो है चेक कर सकते हैं। व्यू सबमिटेड ग्रीवियांस आपने यहाँ पे सबमिट कर दिया। जब आप ग्रीवियांस सबमिट करते हैं तो आपको किसी भी तरीके का कोई ओटीपी नहीं आता है उस केस में। ठीक है, अब यहाँ पर जब आपको ग्रीवियांस का स्टेटस देखना है अपने, यहाँ जाएंगे व्यू ग्रीवियांस स्टेटस, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे अभी हमने जो सबमिट किया था उसका नंबर यहाँ पे आ रहा है, और अभी जो कैटेगरी है वो अंडर प्रोसेसिंग है। 7-8 डेज में आपके ग्रीवियांस का जो रिस्पॉन्ड है वो आ जाता है, तो आप उस टाइम पे लॉग इन करके सामने से क्या रिप्लाई आया है आप वो चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही छोटा सा प्रोसेस है, ये 1 मिनट प्रोसेस है। आप ग्रीवियांस रेज कर दीजिए अगर आपकी रिटर्न प्रोसेस नहीं हुई है, या फिर रिटर्न प्रोसेस हो गई है रिफंड अभी तक नहीं आया है, तो इन सब छोटी छोटी चीजों के लिए आप डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट करने के लिए इस तरीके से ग्रीवियांस रेस कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके किसी फ्रेंड्स को भी इस तरीके की प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आप ये हमारी वीडियो उनको भी शेयर कर सकते हैं। अगर कोई भी अभी भी कोई इशू है इन सब चीजों में तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के हमसे क्वेरी कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।